दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास रहने वाली है जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा और इंतजार। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया पल पल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोरोना संक्रमण थम जाता है तो पुलिस मुख्यालय को तैयारी के लिए चाहिए 2 माह का समय। प्रदेश पुलिस बेड़े में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे करीब 17 लाख अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके पीछे प्रदेश में हर दिन बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप बताया जा रहा है। प्रदेश में हर दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में 17 लाख अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा कराना असंभव प्रतीत हो रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में DGP भूपेंद्र सिंह की ओर से बनाई गई कमेटी की गुरुवार को मीटिंग हुई। बताया गया कि मीटिंग में परीक्षा को सही और सुरक्षित कराने का मंथन हुआ है। इस मीटिंग में आयोजना एवं कल्याण के ADG उत्कल रंजन साहू, लॉ एंड ऑर्डर ADG सौरभ श्रीवास्तव, भर्ती एवं पदोन्नति ADG गोविंद गुप्ता, विजिलेंस ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ और रूल्स ADG हेमंत प्रियदर्शी शामिल हुए। और दोस्तों यहां पर बताया है कि इसलिए लग सकता है समय, यानी कि कारण क्या है जिसकी वजह से यह समय लग सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है, प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को कराने में अभी कई कारणों से समय लग सकता है। हाल ही में कोरोना में स्थिति बढ़ रही है, निकाय चुनाव को लेकर अभी संशय बना हुआ है। 5,500 पदों के लिए करीब 17 लाख आवेदन आए हैं, आवागमन के साधन बंद हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों को मूवमेंट कैसे हो सकेगा? अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले के कैसे जा पाएंगे और कहाँ रुकने की व्यवस्था करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए बड़ी संख्या में सेंटरों की व्यवस्था करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों कांस्टेबल भर्ती के लिए आपको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। धन्यवाद।